गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बृहन मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी नाइन्थ के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारे विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग एक में हमारा जो प्रकरण है गति के नियम, इसका हम लोग फिर से एक बार पुनरावर्तन करने वाले हैं, अर्थात रिविजन करने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है साइंस वन का गति के नियम, उस चैप्टर का आज हम लोग रिविजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे पिंड की गति क्या होती है। तो पिंड की गति से पहले आप लोग एक बार, पिंड क्या होता है मैं आपका एक बार रिविजन करवा देती हूँ। पिंड अर्थात हम लोग सजीव निर्जीव हर प्रकार की वस्तु के लिए एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, इसलिए हम लोग ये पिंड शब्द यूज करते हैं। जैसे हम लोगों को कोई वस्तु है उसको सजीव निर्जीव ये डिस्क्राइब ना करना पड़े, इसलिए कॉमन वर्ड यूज कर दिया जाता है विज्ञान में, पिंड यूज कर दिया जाता है। तो पिंड की गति क्या होती है, गति अर्थात मोशन। तो किसी भी पिंड की गति क्या होती है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। यदि कोई पिंड अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड गतिशील है। ठीक है, ये हो गई गतिशील पिंड की परिभाषा। उसके बाद यदि वह अपने चारों ओर के पिंडों के संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित न करे तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड स्थिर है। तो पिंड की गति अर्थात कोई पिंड गतिशील है या वो पिंड स्थिर है, ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अगर कोई पिंड अपने आजू बाजू के जो पिंड है उनके संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है तो हम कहेंगे कि वह पिंड गतिशील है। यदि कोई पिंड अपने आसपास के जो पिंड है उनके संदर्भ में अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड स्थिर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुकती है और जब चालू होती है, मान लो अगर झटके से चालू होती है तो हम लोगों को जब धक्का लगता है तो मालूम पड़ता है कि ट्रेन स्टार्ट हो रही है। लेकिन कभी कभी ट्रेन जो होती है वो एकदम स्मूथली चालू होती है। तो जब वो स्मूथली चालू होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्टेशन पे जो चीजें हैं उनसे उसको कंपेयर करते हैं। जो स्टेशन पे जैसे पेड़ हो गया, बेंच हो गया, उनके संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि ट्रेन मूव कर रही है कि नहीं, तो हमको मालूम पड़ता है कि ट्रेन जो है वह चलना स्टार्ट कर दी है। अगर उनके संदर्भ में जो स्टेशन पे चीजें हैं लाइक पेड़ है, बेंच है, उनके संदर्भ में अगर ट्रेन उसी जगह पर हमको दिख रही है, उस जगह से मूव होती हुई नहीं दिख रही है, उनका उसका स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो है वह स्थिर है। तो कोई भी पिंड, ये सिर्फ ट्रेन का एग्जाम्पल नहीं है, कोई भी पिंड अगर अपने अपना स्थान परिवर्तन करता है अपने चारों ओर के पिंड के संदर्भ में तो हम कहते हैं कि वह पिंड गतिशील है। और यदि वह अपना स्थान परिवर्तित न करे अपने चारों ओर के पिंड के संदर्भ में तो हम कह सकते हैं कि वह पिंड स्थिर है। तो ये हो गया हमारे पिंड की गति। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विस्थापन और दूरी। विस्थापन और दूरी क्या होता है, सबसे पहले दूरी की परिभाषा समझ लीजिए। दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तय किया गया पथ है। यह हो गई दूरी की परिभाषा। नेक्स्ट है विस्थापन। विस्थापन का अर्थ है गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम के बीच की सबसे कम दूरी। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर दो लड़कियां रहती हैं, मान लो शीतल और शबाना, ये दोनों लड़कियां यहाँ पर रहती हैं, और ये है हमारा पॉइंट बी और ये है हमारा पॉइंट सी। ठीक है, शीतल और शबाना दोनों इस पॉइंट ए पे रहती हैं। अब दोनों एक साथ मान लो घर से निकलना स्टार्ट करती है, उसमें से जो शीतल है वो क्या करती है, वो पहले अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है, फिर उसके साथ वह स्कूल पे आती है। ठीक है, पॉइंट सी जो है वो स्कूल है। और शबाना क्या करती है, शबाना जो है वो
जो उसका घर है वहां से वो डायरेक्ट स्कूल आती है, ठीक है। तो इन दोनों, जो शबाना है वो डायरेक्ट स्कूल आती है, और शीतल क्या करती है, शीतल पहले अपने फ्रेंड के घर पे जाती है फिर वह स्कूल जाती है। तो शीतल ने क्या किया है, दोनों ने जो डिस्टेंस या जो पॉइंट है दोनों ने सेम ट्रेवल किया, लेकिन शबाना ने क्या किया है, शीतल जो है वो लॉन्ग रूट से जाती है, पहले अपने फ्रेंड के घर जाती है फिर स्कूल जाती है। लेकिन शबाना क्या करती है, शबाना जो उसका दो पिंडों के बीच की जो एक्चुअल दूरी थी उस दूरी को तय कर कर वह अपने स्कूल पहुंचती है। तो विस्थापन मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, और दूरी का अर्थ है वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो शीतल क्या, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट पे पहुंचने के दो रूट होते हैं, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। तो अगर आप लॉन्ग कट से जाते हैं तो आपके द्वारा तय की गई जो लंबाई है उसको हम लोग दूरी कहेंगे, और अगर आप शॉर्टकट से जाते हैं और उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हम लोग उसे कहेंगे विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच में कम से कम तय की गई लंबाई को हम लोग कहते हैं विस्थापन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चाल और वेग। चाल का सूत्र आप लोगों ने देखा ही था, तय की गई दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। विस्थापन, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग या वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ इकाई समय का अर्थ होता है एक सेकंड भी हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है, एक घंटा इत्यादि भी हो सकता है, ठीक है। बड़ी इकाई द्वारा समय नापने पर एक वर्ष भी इकाई समय हो सकता है। तो किसी पिंड द्वारा इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं, और चाल का अर्थ होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा हुआ कुल समय। और वेग में क्या अंतर है, एक ही दिशा में इकाई समय में एक ही दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। इसकी हम लोग यूनिट्स देख लेते हैं, इकाइयां देख लेते हैं। तो चाल और वेग की इकाइयां समान होती हैं, उनकी एसआई प्रणाली में इकाई मीटर पर सेकंड होती है, सीजीएस प्रणाली में इकाई सेंटीमीटर पर सेकंड है। चाल जो होता है वह दूरी से संबंधित होता है, वेग जो होता है वह विस्थापन से संबंधित होता है। यदि गति सरल रेखा में हो रही है, एक सीधी रेखा में अगर गति हो रही है तो चाल और वेग का मान समान होता है, अन्यथा वे अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हमारे टॉपिक जो था एक समान गति और असमान गति। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एक समान गति क्या होती है। यदि कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। पिंड मतलब आपको मैंने पहले बताया, कोई भी पिंड, वस्तु, सजीव निर्जीव, अगर समान समय में वह समान दूरी तय कर रहा है तो ऐसी गति को हम लोग समान गति कहते हैं। यदि कोई पिंड समान समय में असमान दूरी तय कर रहा है, यहाँ पर समय तो समान है लेकिन जो वो दूरी तय कर रहा है वो असमान है, तो ऐसी गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। असमान गति जैसे भीड़ वाले रास्ते पर वाहनों की गति या साइकिल चलाने की गति, जैसे ट्रैफिक वाला जो रास्ता है उस जगह पर जब हम लोग ट्रैवल करते हैं गाड़ी से तो उस समय जो गति रहेगी वह असमान रहेगी, कभी ट्रैफिक ज्यादा होगा कम होगा उसके हिसाब से जो गाड़ी की गति होगी वह प्रवाहित होगी। तो इसमें क्या होगा, समान समय में असमान दूरी तय की जाएगी, तो इस प्रकार की गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे त्वरण। त्वरण, त्वरण की परिभाषा यह है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, और त्वरण का फॉर्मूला है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय।
यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, उसका t समय के बाद बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है, तो उसका त्वरण होगा, त्वरण को हम लोग इंग्लिश में एक्सेलेशन बोलते हैं, तो उसका त्वरण होगा a बराबर v माइनस u अपॉन t। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी भी पिंड का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो हम लोग इस प्रकार से उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण के प्रकार देख लेते हैं। त्वरण के तीन प्रकार हैं, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। ये तीनों प्रकार है त्वरण के। किसी पिंड का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन ये कब होता है, या शून्य भी हो सकता है, लेकिन ये कब होता है, इसके कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धनात्मक त्वरण कब होता है। यदि किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण जो होता है वह धनात्मक होता है। यदि किसी पिंड का वेग बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि त्वरण जो है इस वक्त धनात्मक है। यदि किसी पिंड का वेग कम होता है तब हम कहेंगे कि जो त्वरण है वह ऋणात्मक है। यदि किसी पिंड का वेग स्थिर है तो हम कहेंगे कि जो त्वरण है वह शून्य है। तो त्वरण के तीन प्रकार हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण, वेग कम होता है तो ऋणात्मक त्वरण, वेग स्थिर रहता है तो हम कहते हैं शून्य त्वरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक समान गति के लिए दूरी और समय का आलेख। एक समान गति आपको पहले ही बताया था मैंने, एक समान गति क्या होता है, यदि समान समय में हम लोग समान दूरी तय करते हैं तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। यहाँ पे समय आप लोग देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, इस प्रकार डिफरेंस में समय बढ़ रहा है और दूरी 15, 30, 45, 60, तो 15-15 मीटर के डिफरेंस में दूरी बढ़ रही है। तो समान समय में समान दूरी तय हो रही है तो इस प्रकार की गति को हम लोग एक समान गति कहते हैं। तो जब हम लोग इसका आलेख प्लॉट करते हैं, दूरी और समय का जब हम लोग आलेख प्लॉट करेंगे तब हम लोगों को एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, सरल रेखा इसलिए मिलेगी क्योंकि समान समय में समान दूरी तय हो रही है। तो जब इसका हम लोग आलेख प्लॉट करेंगे दूरी और समय का, तब हम लोगों को एक सरल रेखा मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असमान गति के लिए दूरी और समय का आलेख। असमान गति क्या होती है, असमान गति जब समान समय में असमान दूरी तय की जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं असमान गति। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे समय जो है वो 5, 10, 15, 5-5 के हिसाब से बढ़ रहा है, लेकिन जो दूरी है वो कॉन्स्टेंट डिफरेंस से नहीं बढ़ रही है, उसके बीच में असमान दूरी बढ़ रही है। तो ऐसी प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं असमान गति। जब इसका हम लोग आलेख प्लॉट करेंगे, तो जब इसका आलेख प्लॉट करेंगे तो हम लोगों को एक सरल रेखा न मिलेगी। सरल रेखा न मिलकर एक तरीके से आड़ी टेढ़ी रेखा मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो इसमें दूरी तय की गई है वह असमान है, इसीलिए इस आलेख की जो प्रकृति होगी वह सरल रेखा नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे एक समान गति के लिए हम लोग वेग और समय का आलेख देखेंगे। मान लो कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के एक समान वेग से सतत रूप से गतिशील है। इस एक समान गति के लिए वेग और समय का परिवर्तन वेग समय के आलेख में दर्शाया गया है। यहाँ पे वेग लिया गया है, यहाँ पे समय है, और रेलगाड़ी जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील है। इसमें आप लोगों को एक सवाल भी दिया गया है, सवाल पेज नंबर 6 पर दिया गया है। सवाल ये दिया गया है कि रेलगाड़ी द्वारा 2 से 4 घंटे के बीच में तय की गई दूरी कैसे ज्ञात कर सकती है। मतलब 2 घंटे
से 4 घंटे के बीच में रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की है वो हम लोगों को बतानी है। जो रेलगाड़ी का वेग है वो कांस्टेंट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 से 4 घंटों के बीच में रेलगाड़ी द्वारा कितनी तय की गई दूरी है वो हम लोगों को बतानी है। समय 2 घंटा होगा क्योंकि 2 से 4 घंटे के बीच की दूरी, तो 2 से 4 घंटा मतलब 4 में से 2 गया तो समय कितना हो गया 2 घंटा। वेग कांस्टेंट है 60 किलोमीटर पर आवर, तो तय की गई दूरी बराबर होगा वेग गुणे समय, तो यहाँ पे वेग लिख देंगे 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 घंटा, तो 60 × 2 हो जाएगा 120 किलोमीटर। यहाँ पे घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा और दूरी हम लोगों को मिलेगी 120 किलोमीटर, तो इसीलिए 2 घंटे में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी 120 किलोमीटर। नेक्स्ट आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी समीकरण हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन किया और बाद में गति संबंधी 3 समीकरण उन्होंने प्रतिपादित किए थे, वो 3 समीकरण इस प्रकार से हैं, V=UAT। ये जो समीकरण है, ये पहला समीकरण, ये वेग और समय के बीच में संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट समीकरण है S=UT+½AT2, ये विस्थापन और समय के बीच का संबंध दर्शाता है। थर्ड है V²=U²+2AS, यह विस्थापन और वेग के बीच में समय दर्शाता है। तो ये तीनों जो समीकरण है न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक समान वृत्ताकार गति। एक समान वृत्ताकार गति आप लोगों ने घड़ी में देखी होगी, घड़ी की जो सुइयां चलती हैं वो एक प्रकार से एक समान वृत्ताकार गति का उदाहरण है। तो देख लेते हैं हम लोग एक समान वृत्ताकार गति। जब पिंड स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गतिशील होता है तब वेग में होने वाला परिवर्तन केवल गति की दिशा बदलने से होता है, इस कारण वह त्वरित वेग होता है। जब कोई पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर जाता है तब उस पिंड की गति को एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर वेग में होने वाला परिवर्तन केवल गति की दिशा बदलने के लिए होता है तो ऐसी प्रकार की गति को हम लोग एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। उदाहरण है एक समान चाल से घूमने वाला गुलेल के पत्थर की गति, साइकिल के पहिए के किसी बिंदु की गति, या फिर आप घड़ी के सुइयों की भी गति, यह भी एक समान वृत्ताकार गति का उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा न्यूटन गति संबंधित 3 नियम। सबसे पहले न्यूटन गति संबंधित पहला नियम देखेंगे। पहला नियम यह है कि यदि कोई पिंड कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं करता है, यदि किसी पिंड पर अगर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है तो उसकी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति के लिए वह सातत्य रहता है। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है बहुत ही सिंपल है। कोई भी पिंड है जब तक उस पर कोई एक बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो वो पिंड अगर वो विराम अवस्था में है या स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहता है। यदि वो गतिमान है या गतिशील है तो वह गतिशील ही रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है। तो किसी भी पिंड की विराम अवस्था तभी बदलती है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्यरत करता है, या कोई गतिशील पिंड तभी स्थिर होता है जब उस पर कोई असंतुलित बल कार्यरत होता है। तो न्यूटन का गति संबंधित पहला नियम यही है कि जो पिंड जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता। न्यूटन का गति संबंधित दूसरा नियम देखेंगे। न्यूटन का गति संबंधित दूसरा नियम संवेग पर आधारित है। संवेग का अर्थ है किसी भी पिंड के वेग
और द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं, पी इज इक्वल्स टू एम वी। संवेग को इंग्लिश में हम लोग मोमेंटम भी कहते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। किसी भी पिंड की जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है पिंड पर प्रयुक्त होने वाले बल के समानुपाती होती है, और संवेग का परिवर्तन हमेशा बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, तो किसी भी पिंड का जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो उस पर प्रयुक्त होने वाले बल के समानुपाती होती है, उसके समानुपात में होती है, तथा जो संवेग में परिवर्तन होता है वो जिस दिशा में बल लगा है उसी दिशा में होता है। न्यूटन गति संबंधी तीसरा और आखिरी नियम देखेंगे। प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिणाम वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होती है और उनकी जो दिशा होती है वह विपरीत होती है। ये बहुत सारे जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें जो होती है न्यूटन की गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग चलते हैं, चलते वक्त हम लोग जमीन पर जब बल लगाते हैं तो जो जमीन होती है वो भी क्या करती है, हम पर बल लगाती है। तो हम लोग जमीन पर नीचे की तरफ बल लगाते हैं, आगे की तरफ बल लगाते हैं, पीछे की तरफ बल लगाते हैं, और जमीन जो होती है वो हमारे पर आगे की तरफ बल लगाती है, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो न्यूटन गति संबंधी तीसरे नियम पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है वो भी इसी नियम पर आधारित होता है। जब हम लोग तैरते भी हैं, पानी में तैरते हैं, तब हम लोग पानी पर बल लगाते हैं, पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो उसी वक्त पानी भी क्या करता है, हम पे बल लगाता है बट विपरीत दिशा में, तो जिससे हम लोग आगे की तरफ तैरते हैं। तो ये न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम है जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल पर आधारित होती है, लेकिन उनकी जो दिशा होती है वह परस्पर विपरीत होती है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है संवेग की अविनाशिता का नियम। तो अगर किसी दो पिंडों के बीच में टक्कर होती है तो टक्कर के बाद अगर कोई उन पर असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, वो हम लोग ने संवेग की अविनाशिता के नियम में हम लोगों ने सीखा था। तो कुल अंतिम संवेग का परिमाण बराबर कुल प्रारंभिक संवेग के बराबर होता है। तो अंतिम संवेग का परिणाम बराबर होता है प्रारंभिक संवेग के। दो पिंडों की अन्योन क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उनका कुल संवेग स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है। यदि दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग उनके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। ठीक है, यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। तो ये हमारी संवेग की अविनाशिता का नियम है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ये हमारा तो बच्चों, आज हम लोगों ने हमारे विज्ञान फर्स्ट के जो फर्स्ट चैप्टर है गति का नियम, इस चैप्टर का हम लोगों ने पुनरावर्तन रिवीजन किया। इसमें हम लोगों ने जो इसके कुछ मेन मुद्दे थे वो देखे, जैसे गति क्या होती है, विस्थापन और दूरी के बारे में हम लोगों ने सीखा, चाल और वेग सीखा, साथ ही साथ हम लोगों ने एक समान गति और असमान गति क्या होती है, त्वरण के बारे में सीखा, आलेख पद्धति द्वारा हम लोगों ने गति संबंधी तीनों समीकरण देखे, हम लोगों ने वृत्ताकार गति के बारे में सीखा, और हम लोगों ने न्यूटन गति संबंधी तीनों नियम देखे, और साथ ही साथ हम लोगों ने संवेग की अविनाशिता का नियम भी इसका रिवीजन किया। तो इन टॉपिक्स का आज हम लोगों ने रिवीजन किया। हेलो सर। हाँ मिस। हाँ सर, हो गया।